फाइनली कुफल टूटा, खुदा खुदा करके इन्फिनिक्स नोट 7 और इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट की हमें स्पेसिफिकेशन देखने को मिली है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इन्फिनिक्स ने कुछ इंप्रूवमेंट्स की हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर, तो इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे, इनकी प्राइस के हवाले से बात करेंगे, स्पेसिफिकेशन के हवाले से बात करेंगे, कुछ फीचर्स के हवाले से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं गुरु राणा, तो लेट्स बिगिन द वीडियो। फाइनली इन्फिनिक्स ने हमारी तनकीद के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट कर ली है अपने स्मार्टफोन्स के अंदर, लेकिन अभी भी क्या ये स्मार्टफोन जो है वो वर्थ बाइंग हैं? इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं दोनों स्मार्टफोन के हवाले से बात करेंगे, इन्फिनिक्स नोट 7 और इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट के हवाले से। दोनों फ़ोन में हमें जो है वो क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, एंड्रॉयड 10 की जो है वो सपोर्ट देखने को मिल रही है, उसके बाद ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिल रही है बैक के ऊपर, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 7 के हवाले से कि उसकी क्या स्पेसिफिकेशन निकल के आ रही हैं। पहले इन्फिनिक्स नोट 7 की अगर लुक और डिजाइन के ऊपर नजर डालें तो काफी बेहतर चीजें इसके ऊपर जो है हमें देखने को मिलती हैं। अगर फ्रंट के ऊपर नजर डालें तो इसके ऊपर हमें 6.95 इंचेस की जो है वो आईपीएस की एचडी स्क्रीन देखने को मिलेगी। उसके अलावा हमें पंच होल डिस्प्ले के साथ इसका जो है वो कैमरा देखने को मिलेगा फ्रंट के ऊपर। बैक के ऊपर नजर डालें तो हमें स्क्वायर शेप के अंदर 4 कैमरे देखने को मिलेंगे, जिसके नीचे जो है हमें वो एलईडी फ्लैश भी देखने को मिलेगा। जबकि कैमरा बम की बात करें तो ये जो है हमें राउंड शेप के ऊपर देखने को मिलेगा, और इसके नीचे जो है हमें वो इन्फिनिक्स की कुछ ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा बैक की बात करें तो बैक जो है वो ग्रेडियंट फिनिश के साथ जो है वो इसकी लुक प्रोवाइड करेगी, जो काफ़ी बेहतर जो है हमें इसकी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा फ़ोन के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमें डुअल सिम नैनो की सपोर्ट देखने को मिलेगी, एंड्रॉयड 10 जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। उसके अलावा स्क्रीन की बात करें तो इसके अंदर हमें एचडी प्लस स्क्रीन देखने को मिलेगी। बेहतर होता कि ये जो है स्क्रीन हमें फुल एचडी के अंदर देखने को मिलती, बल्कि एचडी फुल एचडी में ही होनी चाहिए थी, लेकिन एचडी प्लस के अंदर जो है वो स्क्रीन हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक डिसअपॉइंटिंग फीचर है। उसके अलावा बात करें तो ये हमें 480 निट्स की जो है वो ब्राइटनेस भी प्रोवाइड करेगा, जो कि डे लाइट के अंदर यानी सनलाइट के अंदर हमें बहुत ही जो है वो क्लियर इसका जो है वो स्क्रीन दिखाएगी। उसके अलावा बात करें इसके फ़ोन के माइक्रो एसडी कार्ड जो है की सपोर्ट भी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी, 3.5 mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा, और नीचे हमें माइक्रो यूएसबी की सपोर्ट देखने को मिलेगी। बेहतर होता कि अगर हमें यूएसबी टाइप सी की सपोर्ट देखने को मिलती, लेकिन हमें माइक्रो यूएसबी ही से गुजारा करना पड़ेगा। उसके अलावा बात करें तो साइड के ऊपर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है, जो कि आजकल हमें जो है वो अपर लेवल के जो फ़ोन हैं यानी बजट ट्रेंड से जो ऊपर के फ़ोन हैं उनके ऊपर अंदर हमें देखने को मिल रहा था। खास तौर पर ये ट्रेंड जो है वो सैमसंग फॉलो कर रहा है, लेकिन अभी इन्फिनिक्स के फ़ोन के अंदर जो इंट्री लेवल और जो बजट स्मार्टफोन है उनके अंदर भी है जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा बात करें तो कुछ इस फ़ोन के अंदर हमें सेंसर देखने को मिलेगा, यानी एम्बियंट लाइट का जो है वो देखने को मिलेगी, मैग्नीटोमीटर जो है वो हमें देखने को मिलेगा, उसके अलावा प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी जो है वो इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो लुक वाइज और कुछ इसके फीचर्स के हवाले से जो हमें लुक और डिज़ाइन जो है वो तो काफ़ी बेहतर जो है वो लग रही है हमें पिछले फ़ोन्स के हवाले से। इस फ़ोन के कैमराज के ऊपर तो हमें बैक के ऊपर 4 कैमराज नज़र आएंगे। 48 megapixel का प्राइमरी कैमरा होगा, जो कि f1.79 के अपर्चर के साथ आएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है, अच्छे अपर्चर के साथ आ रहा है। उसके अलावा बात करें तो ये फ़ोन जो है वो ऑटो फोकस की फैसिलिटी भी रखेगा। बैक के ऊपर जो दूसरा कैमरा में देखने को मिलता है वो 2 megapixel का जो है वो सेंसर देखने को मिलेगा, जो f2.4 के अपर्चर के साथ आएगा। उसके अलावा 2 megapixel का हमें जो है वो टेरिटरी सेंसर देखने को मिल रहा है, जो 25 mm का मैक्रो लेंस होने वाला है। उसके अलावा जो है हमें लो लाइट वीडियो सेंसर भी इसके अंदर जो है वो बैक के ऊपर देखने को मिलेगा। फ्रंट के ऊपर बात करें सेल्फी कैमरा की तो हमें 16 megapixel का जो है वो पंच होल कटआउट के साथ इसका सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। इसके इंटरनल के हवाले से तो फाइनली इस फोन ने कुछ जो है वो इम्प्रूवमेंट लेके आया इंटरनल के हवाले से। जो पुराने इसके प्रोसेसर, जो सेम प्रोसेसर हमें कई सालों से देखने को मिल रहे थे, उनसे जान छुड़ाई है इस फ़ोन के अंदर। इन्फिनिक्स नोट 7 के अंदर फाइनली हमें हीलियो का G70 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि गेमिंग के हवाले से काफ़ी अच्छी एक चीज़ होने वाली है। उसके साथ हमें 6 GB की रैम देखने को मिलेगी। अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 128 GB की हमें इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करें तो 4G LTE की सपोर्ट हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। Wi-Fi 802 जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ भी इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। GPS प्लस जो है वो AGPS FM रेडियो की भी इसकी सपोर्ट देखने को मिलेगी। तो काफ़ी जो है इंटरनल्स इंप्रूव्ड हमें दिखाई दे रहे हैं इस फ़ोन के अंदर, जो कि एक बहुत ही
ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है इस फ़ोन की। बैटरी के हवाले से बात करें इस फ़ोन की, तो 5000 mAh की हमें इसके अंदर बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 18 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आएगी। तो काफ़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है कि 18 वाट का फास्ट चार्जर जो है इस फ़ोन के साथ देखने को मिल रहा है। बैटरी काफ़ी अच्छी है, 5000 mAh की है। लेकिन अगर स्क्रीन की बात करें फ़ोन की, तो 6.95 inches की स्क्रीन है, जो कि काफ़ी बैटरी कंज्यूम करने वाली है, तो उसके लिए बेहतर है। 5000 mAh की बैटरी जो है वो काफ़ी बेहतर ऑप्शन है इस फ़ोन के लिए। बात करें अगर इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट के हवाले से, तो इसके डिज़ाइन और लुक भी जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं हमारे इसके बड़े भाई इन्फिनिक्स नोट 7 के हवाले से। ये फ़ोन भी हमें जो है वो फ्रंट के ऊपर 6.6 inches की बड़ी स्क्रीन प्रोवाइड करता है, जो कि IPS HD+ डिस्प्ले होने वाला है। उसके अलावा बात करें इस फ़ोन की, तो फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल डिस्प्ले के साथ सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। बैक के ऊपर बात करें तो ग्रेडियंट फिनिश के साथ हमें 4 कैमराज देखने को मिलेंगे, जिनकी पोजीशनिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज है। हमें अपर कॉर्नर के ऊपर जो है ये फ़ोन देखने को, जो कैमराज हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बात करें तो ये फ़ोन भी जो है हमें micro SD card की सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इसके अंदर जो है हमें micro USB की सपोर्ट देखने को मिलेगी। 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसके अंदर भी हमें जो है एम्बियंट लाइट, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी जो है वो देखने को मिलेगा, जबकि साइड के ऊपर जो है हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त एक चीज़ होने वाली है। उसके अलावा इस फ़ोन के कुछ इंटरनल्स के हवाले से बात कर लें, तो ये फ़ोन जो है हमें वही पुराना घिसा पिटा जो इन्फिनिक्स पता नहीं कब से यूज़ करता आ रहा है, हीलियो का P22 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक फजूल सी चीज़ होने वाली है इस फ़ोन की। 4 GB के साथ जो है ये फ़ोन आने वाला है। उसके अलावा बात करें तो ये फ़ोन जो है 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, जो कि एक्सपेंडेबल होगी जो है वो micro SD card से। और उसके अलावा बात करें इस फ़ोन के कैमराज की, तो ये फ़ोन भी हमें बैक के ऊपर 4 कैमराज प्रोवाइड करेगा। 48 MP का जो है इसके अंदर हमें प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि f1.8 के लेंस के साथ आएगा। उसके अलावा बात करें इसके अंदर, तो हमें 2 MP का सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि एक पोर्ट्रेट लेंस होगा। उसके अलावा 2 MP का हमें टेरिटरी लेंस देखने को मिलेगा, जो कि 25 mm का मैक्रो लेंस होने वाला है। उसके अलावा QAVGA कैमरा भी इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात करें तो पंच होल डिस्प्ले के साथ हमें इसका जो है वो 8 MP का कैमरा देखने को मिल रहा है। तो कैमरा के हवाले से जो है वो ये फ़ोन भी जो है वो काफ़ी बेहतर ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा बैटरी की बात करें तो ये फ़ोन भी हमें 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, जो जबकि ये फ़ोन जो है वो 10 वाट का फास्ट चार्जर लेके आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ हो सकती है। 10 वाट का फास्ट चार्जर जो है वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड चार्जर ही है, इसको फास्ट चार्जर तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा बात करें तो इसके अंदर हमें 35 days का यानी 35 दिन का जो है वो स्टैंड बाई टाइम देखने को मिलेगा अगर बैटरी फुल हो तो। काफ़ी ज़बरदस्त और मज़े के फीचर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस फ़ोन के अंदर अगर प्रोसेसर थोड़ा सा बेहतर होता इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट के अंदर, तो काफ़ी एक मज़े का फ़ोन बन जाना था। लेकिन जो प्रोसेसर है वही इन्होंने जो है घिसा पिटा P22 यूज़ कर लिया है, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। उसके अलावा बात करें इन फ़ोन की प्राइसिस के हवाले से और पाकिस्तान में कब तक जो है वो अवेलेबल होंगे, तो इन्फिनिक्स नोट 7 और इन्फिनिक्स नोट 7 की जो प्राइस है अभी तक क्लियर नहीं हुई, और अभी तक जो है वो प्राइस हमें देखने को नहीं मिली। जैसे इसकी प्राइसेस हमें देखने को मिलेंगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके अलावा बात करें अवेलेबिलिटी की, तो ये हमें ऑफिशियल जो है इन्फिनिक्स की जो इंटरनेशनल वेबसाइट है उसके ऊपर देखने को मिले थे ये फ़ोन की स्पेसिफिकेशन। तो जल्दी ये फ़ोन हमें जो है यानी मे बी मई के अंदर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो, अगर पसंद नहीं आई तो सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि वीडियो आपको पसंद क्यों नहीं आई। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिएगा। बी सेफ, स्टे एट होम, अल्लाह हाफिज़।